भोपाल के थाना निषादपुरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी विभागों में चार पहिया वाहन लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर कुल 13 चार पहिया वाहन बरामद किए। भोपाल शहर में दूर शहरों से आकर किराए के मकान में निवास करने वाले कम पढ़े लिखे नई उम्र के लड़कों के द्वारा कम समय से अधिक पैसा कमाने के लालच में आकर एक से अधिक लोगों को शासकीय विभाग में चार पहिया वाहनों को अधिकरण कराने तथा बदले में अच्छी राशि दिलवाने का झांसा देकर उन वाहनों को दूसरे लोगों को गिरवी रख कर तथा बेच कर पैसा कमाया जा रहा था, जिन लोगों के खिलाफ थाना निषादपुरा में लगातार शिकायत आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जिनकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर टीम का गठन कर तत्परता से प्रारंभ की गई। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पहुंची है तो ये तुरंत ही आवेदक से संपर्क करके उसकी गाड़ी उसको लौटा देते थे। इस तरह के भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने की। ये लोग इन गाड़ियों को गिरवी भी रख रहे थे और गायब भी कर रहे थे। इस सराहनीय काम में थाना प्रभारी निषादपुरा और उनकी टीम की प्रमुख भूमिका रही है और इनके इस महत्वपूर्ण अच्छे काम के फलस्वरूप DIG शहर श्री इरशाद वली ने 20,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की। सर, ये लोग कहाँ पर लगाते थे गाड़ियाँ? लगाते कहीं नहीं थे, ये लोग इस तरह का झांसा देते थे कि सरकारी कार्यालयों में किराए पर लगवा देंगे, ये गाड़ी लेकर के उसको कहीं गिरवी रख देते। सर, किन किन विभागों में लगाने की बात? गाड़ी गिरवी रखने के बाद अपने ठिकाने भी बदल दिया करते थे, भोपाल से बाहर मतलब मध्य प्रदेश से बाहर चले जाते थे। ये इस तरह की कई सारे लोगों के साथ ठगी करके गायब हो गए थे अपने परिवार के साथ, मथुरा उज्जैन अलग अलग जगहों पर ठिकाने बदल बदल के रहने लगे थे। ठीक है सर, पूर्व में भी अपराधी थे पहले ये लोग? पूर्व में भी अपराधी, इनका पूर्व का भी रिकॉर्ड मिला है, उसको भी बाकी थानों से और अन्य पड़ोस के जिलों से भी रिकॉर्ड एकत्रित किया जा रहा है, उसको तेज डायरी में। सर, ये कहाँ कहाँ के हैं ये लोग जो पकड़े हैं? ये लोग यहाँ भोपाल में करोन क्षेत्र में रह करके अपना कार्य कर रहे थे। ये लोग कुछ एक दो लड़के विदिशा के भी हैं, एक दो लड़के सिरोही क्षेत्र के भी हैं। सर, अपनी अभी कितने फरियादी बने हैं इस पूरे मामले में? टोटल 6 FIR कर ली गई हैं, जिसमें 10 फरियादी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन जैसा मैंने बताया उनकी गाड़ियां इन्होंने वापस कर दी, इस वजह से फिर उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। ये पकड़ी हुई गाड़ी लगभग कितनी कीमत की है? ये 1.5 करोड़ से भी अधिक राशि की गाड़ियाँ। सर, इसके अंदर जो अभी आरोपी पकड़े गए हैं, इसके अलावा और भी आरोपी हैं? सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया? अभी एक आरोपी इसमें फरार है, जिसको नामजद कर लिया गया है, उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।